स्पिरिट ऑफ द गर्ल वाज जस्ट टुक मी बाय सरप्राइज के यार ये क्या लड़की है. दंगल पेरेंट्स को बोलती है कि भाई बच्चों में फर्क मत रखो, लड़का लड़की में फर्क मत रखो. जी सीक्रेट सुपरस्टार बच्चों से बात करती. आई थिंक जो हम फिल्म बनाने चले थे वो हम बना पाए. टेस्ट स्क्रीनिंग्स का ये फायदा होता है कि यू गेट अ वेरी ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस. अब उसका टाइम इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है बट वो अपने आप को तीसमार खान समझता है. एंड यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जी. हाय दिस इज आमिर एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा. All right, so I think now let's come to the fan questions that your fans have been waiting for, I think, many months now. So let's try and take as many as we possibly can. Sure. All right, this is Samid from Bangladesh. What was your reaction when you heard the Secret Superstar script for the first time? Well, Samit, when I heard the script of Secret, I was sitting right here in the same room actually. Jee. Sirf ye poster nahi tha, ye ab film banne ke baad bana hai. But Jee. This is where I was sitting exactly. And I really love the script of Secret Superstar. I was very moved by it. I was very touched by it. The spirit of the girl was just took me by surprise. Ki yaar ye kya ladki hai, 14 saal ki ladki hai, but wo you know never say die kind of a spirit she has. And she jo bhi uske zindagi mein aata hai usko uske usse milne ke baad uski zindagi change ho jati hai. Kiski? aur logon ki. She affects the lives of people around her. So fantastic character that Advait has written for the girl, for the mother, for the father, for all the characters are very well written. And I found the film very, also very uplifting. It's a very inspirational film. Right. Kyunki aaj ke date mein humme se bahut us age group ke. Achha, Dangal ka aur iska maine ek aur comparison aapko bolna hai ki Dangal jo hai wo parents se baat karti hai. Okay. Dangal parents ko bolti hai ki bhai bachchon mein farak mat rakho, ladka ladki mein farak mat rakho. Ji. सीक्रेट सुपरस्टार बच्चों से बात करती है. इट इज टेलिंग द किड्स यू नो फॉलो योर ड्रीम्स. क्या बात है. इट इज अ फिल्म टॉकिंग टू द किड्स ऑफ द टीनएजर्स 14-15 एज ग्रुप में. और उस एज ग्रुप में किड्स हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, फियर्स. यू नो समटाइम्स दे आर फाइंडिंग दैट वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, यू माइट फाइंड दैट यू नो यू आर वेरी कंस्ट्रिक्टेड. आपकी जिंदगी में आपको लगता है आप जकड़े हुए हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे. राइट. तो किस तरह से ये लड़की उसको उन चैलेंजेस को फेस करती है उसकी कहानी. इनफैक्ट आई थिंक यू आई रियली लव द फर्स्ट नरेशन यू नो. जी एंड यू हैड आई थिंक द फर्स्ट स्क्रीनिंग रिसेंटली एंड पीपल हैव रियली लाइक इट. आई थिंक वी हैड द फर्स्ट जो फर्स्ट कॉपी निकली उसका हमारा स्क्रीनिंग हुआ और बहुत अच्छा गया. तो टचवुड आई थिंक जो हम फिल्म बनाने चले थे वो हम बना पाए. आई थिंक व्हाट अद्वैत नरेटेड टू मी और जो सुन के मैंने हाँ बोला है अद्वैत ने वही फिल्म बनाई है. एंड ही हैज अचीव द फिल्म प्रीटी वेल. ओके नाउ व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट स्क्रीनिंग्स फॉर यू. हाउ इंपॉर्टेंट आर दे. टेस्ट स्क्रीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए क्योंकि वो तो हम मतलब काफ़ी महीने पहले हम शुरू करते हैं. जी जैसे ही फर्स्ट कट रेडी होता है हम टेस्ट स्क्रीनिंग शुरू करते हैं और ऑडियंस को दिखाते हैं और उनसे जब हमको रिएक्शन मिलता है तो हमको समझ में आता है कि हमारी फिल्म में हमने क्या सही किया क्या गलत किया. जी उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में. और फिर हम करेक्शंस भी कर सकते हैं एडिटिंग में अगर थोड़ी बहुत रीशूटिंग करनी है. सो वी गेट द फिल्म टू द करेक्ट स्प्ले मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें कभी कभी हम गलती करते हैं और हम उस वक्त क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो हम लोग उसके इतने नज़दीक होते हैं कि हम उसको डिस्टेंस से देख नहीं पाते, ऑब्जेक्टिवली देख नहीं पाते. बिल्कुल बिल्कुल. तो टेस्ट स्क्रीनिंग्स का ये फायदा होता है कि यू गेट अ वेरी ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस एंड विद दैट यू कैन यूज दैट टू मेक करेक्शंस एंड कम क्लोज टू व्हाट यू वांटेड टू मेक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल. जी ऑलराइट दिस इज सोजान फ्रॉम ईरान. सोजान या हे सर आई एम सोजान फ्रॉम ईरान. टेल मी something about your role that we don't know and apparently the movies don't release in Iran, they have to depend on DVDs and all that. ha internet pe dekhte hain. yes so what is it about role that we still don't know. well I think I've actually spoken about the role quite a bit. the character is a very flamboyant character. he's a very full of himself, स्लाइटली ओवर द हिल. अब उसका टाइम इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है बट वो अपने आप को तीसमार खान समझता है. एंड यू नो एंड ही इज़ वेरी रूड टू पीपल ऑल्सो.
Yeah, in terms of judging and everything. हाँ उस ही मतलब किसी का लिहाज नहीं रखता. बदतमीज टाइप का आदमी है. सेल्फ सेंटर्ड. आपसे वो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो अपने माइंड में अपने ही सोच रहा है तो वो आपको ठीक से जवाब भी नहीं देगा. मतलब भूल जाएगा कि आपने कुछ पूछा भी है. अपनी धुनकी में वो ही वॉन्ट रिस्पॉन्ड टू यू ऑल्सो. मतलब उसने अगर आपको कुछ पूछा भी आपने रिस्पॉन्ड किया तो वो भूल गया कि आपने और आप क्या बोल रहे हो उसमें उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं. उसको खाली इंटरेस्ट है कि मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या सोच रहा हूं उसमें इंटरेस्ट है. बट एक चीज मैं बोल सकता हूं जो शायद अभी तक लोगों को पता नहीं है. ट्रेलर देख के लोगों को शायद ये लगा होगा कि ये किरदार जो है जायरा को हेल्प करता है. ओके या करेक्ट बिकॉज ऑफ द बुलबुले थिंग. जायरा इसका इस्तेमाल करती है. वो है स्पिरिट लड़की का. अच्छा. वो किसी के वो हेल्प किसी को करते ही नहीं. वो लाइफ में किसी ने कुछ ने हेल्प नहीं किया. उसको इंटरेस्ट भी नहीं किसी को हेल्प करने में. उसको खुद को हेल्प करना है सिर्फ. वो जायरा का कैरेक्टर है. शी मेक्स यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड शी यूजेस हिम व्हिच इज द ब्रिलियंस ऑफ द राइटिंग ऑफ अद्वैत. इट्स द 14 ईयर ओल्ड गर्ल हु डज एवरीथिंग. नोबडी हेल्प्स हर. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हां दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके ऑलराइट दिस इज आमिर फ्रॉम जर्मनी. Have you adopted the style of method acting because of Dilip Kumar sir? Well, Aamir, actually, I'm not a trained actor, so I don't even know what method acting is. Thoda bahut maine padha hai method acting ke bare mein, but I have not studied method acting, so I can't even claim to know method acting. Ji. And as far as I know, even Dilip Kumar sahab has not been to acting school, yes, so he, I don't think would have also. As far as I know, no, he has not. I don't think he's a student of method acting. Okay. In the sense, वो हम देख के बोलते हैं कि method acting हमको बहुत अच्छी लगती है उनकी acting. जी. तो method acting has become a term for good acting almost. जी जी. But what is method acting? I don't even know, quite honestly. Absolutely. So I just try. I mean, I'm a big fan of Yusuf Saab, Dilip Kumar ji. But I've never tried to emulate him also. I mean, I just try to be honest with my characters and try and come as close as I can to my characters which I'm playing. Okay, yeah. This is Upuli from Sri Lanka. Upuli, huh? Upuli, yeah. Upuli. Can you share a secret that your fans still don't know about you? Yeah, pretty much everything people know about me because I don't hide anything. I don't hide anything, so people know most things about me. And if there are a few things which they don't know, then there's probably a good reason why they don't know. And let's leave it that way. Hi, this is Aamir and you're watching Bollywood Hungama.